स्काउट गाइड फेलोशिप मुजफ्फरनगर के द्वारा मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक के लिए साइकिल पर पर्यावरण बचाओ रैली निकाली गई, जिसको सीईओ सिटी राजेश त्रिवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीईओ सिटी राजेश त्रिवेदी ने बताया कि स्काउट गाइड के द्वारा पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से यह रैली निकाली जा रही है, जो आज मुजफ्फरनगर से चलकर कल तक दिल्ली पहुंच जाएगी। साइकिल के द्वारा इस रैली को निकालने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि दीपावली के अवसर पर पटाखों का इस्तेमाल ना करके ग्रीन दिवाली मनाई जाए, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण का बचाव बेहद आवश्यक है, जिसके लिए रैली निकाली जा रही है। जी, किस तरह की रैली का शुभारंभ किया गया है जी, क्या रैली? आज इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप के द्वारा आज हम 5 लोग ये रैली निकाल रहे हैं, और इसका शुभारंभ आज जनपद मुजफ्फरनगर के सीईओ सिटी ने किया। और हम यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर से चल के राष्ट्रीय मुख्यालय स्काउट गाइड के मुख्यालय दिल्ली में जाएंगे। और हमारी जो रैली का उद्देश्य है वो ये है कि भाई आज जो है वो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि प्रदूषण को कम करने है। और जो दिवाली आ रही है, त्यौहार आ रहा है, तो इसे दीपावली को दीपों के उत्सव के रूप में मनाया जाए, ना कि पटाखे छुड़ा के या और ज़्यादा प्रदूषण करके। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। हम आज यहाँ से रवाना होंगे मुजफ्फरनगर से, और दिल्ली हम पहुँचेंगे 12 तारीख में। सर, ये आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, क्या क्या उद्देश्य से इसका रहा है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के स्काउट एंड गाइड के बच्चे हैं, जो ये लोग साइकिल के रैली के माध्यम से यहाँ से हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक जाएंगे। और ये लोग प्रदूषण को लेकर, जो दिवाली पे पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, इन पटाखों के लिए कि डिजिटल इसको मनाया जाए, और उसको रास्ते में लोगों को जगह जगह इस बारे में अपनी तरफ से शिक्षित करेंगे।